यूपी में वोटों की गिनती पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का। अखिलेश यादव कह रहे हैं इम्तिहान बाकी है हौसलों का, ये ट्वीट किया गया है, वक्त आ गया। और इससे पहले आप जानते हैं लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अखिलेश यादव ने इसे करार दिया था। राजीव बिल्कुल अनिति बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वक्त आ गया है फैसले का, ये उन्होंने ट्वीट किया है। इस वक्त लगातार काउंटिंग चल रही है और रुझान लगातार आ रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी सीट पर तो आगे चल रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी इस वक्त 75 पर है और इस बीच में वक्त आ गया है अब फैसलों का, इसके क्या मायने निकाले जाएं एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी 125 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे है। अब वो फैसलों की बात कर रहे हैं, 203 सीटों का रुझान इस वक्त आपके सामने है, बीजेपी बहुत आगे 125। और पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में 22 सीटों पर कांग्रेस आगे है तो आम आदमी पार्टी ज्यादा लीड लिए हुए 40 पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। अकाली दल 8 पर इस वक्त नजर आ रहे हैं तो बीजेपी गठबंधन 2 पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर थोड़ी सी बढ़त बनाई है, 2 और पॉइंट्स ऊपर वो आई है। पंजाब का ये अपडेट आपके सामने, 74 सीटों का ये रुझान है, 74 सीटों पर आम आदमी पार्टी 40 तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे, सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर 125 सीटों पर इस वक्त रुझान, बीजेपी आगे चल रही है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर मंदिर गुरुद्वारे पहुंचा जा रहा है इसी उम्मीद से। और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि अपनी सीट पर पीछे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त सिद्धार्थनाथ सिंह मंदिर में है। लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को शानदार बढ़त, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। अवध में बीजेपी आगे है और पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी बढ़त बना हुए हैं। रुहेलखंड में जबरदस्त मुकाबला है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन पश्चिमी यूपी में बढ़त का मतलब बहुत कुछ है बीजेपी, यही वजह है कि 125 पर अभी नजर आ रहे हैं। अवध में भी बहुत अच्छा कर रहे बीजेपी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।